नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार फिलहाल प्रदेश में अनलॉक 5 को जारी कर चुकी है। आपको बता दें कि अनलॉक 5 26 अगस्त को खत्म होने वाली है और अब राज्य में अनलॉक 6 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि 24 या 25 अगस्त को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो सकती है। इस बैठक में सरकार यह फैसला लेगी कि आगे अनलॉक को लेकर क्या करना है, अनलॉक 6 में किस तरह की रियायतें दी जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अनलॉक 6 में राज्य सरकार धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी देगी या नहीं, इस बात को लेकर फिलहाल संशय की स्थिति बरकरार है। आपको बता दें, बिहार में अभी धार्मिक स्थल को खोलने पर रोक लगाया गया है, साथ ही किसी भी धार्मिक आयोजन पर भी रोक लगाई गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में श्रावणी मेला और मुहर्रम पर भी रोक लगा दी गई थी। ऐसे में सरकार कोरोना को लेकर काफी सतर्क है। हालांकि अगले महीने से प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में अब कहा जा रहा है कि क्या मंदिर मस्जिदों को चुनाव के दौरान बंद रखा जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर बिहार सरकार के अधिकारियों को आखिरी फैसला लेना है। अनलॉक 6 को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सोमवार को राज्य के अधिकारियों और सभी जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्य सचिव ने जिलों के अंदर कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया है। आपको बता दें कि अनलॉक 5 में स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। इधर 16 अगस्त से प्रदेश में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही अनलॉक 5 में और भी ज्यादा रियायतें जो है वो दी गई थी, लेकिन फिलहाल अनलॉक 6 को लेकर सरकार क्या योजना बनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई गई है। ऐसे में बिहार सरकार किन किन चीजों में छूट देती है, धार्मिक स्थल को खोलने पर क्या फैसला लेती है और बाकी जो चीजें बची है उन पर क्या फैसला लेती है, ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल सरकार बार बार लोगों से यही अपील कर रही है कि कोरोना के मामले भले अभी कम आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रित है, लेकिन ये कभी भी अनियंत्रित हो सकती है। ऐसे में सभी लोगों से यही गुजारिश की गई है कि मास्क पहने और 2 गज दूरी का पालन जरूर करें। अनलॉक 6 में किन किन नियमों में बदलाव होता है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद फैसला आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसमें यही फैसला लिया गया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद अनलॉक 6 को लेकर कोई भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।